कह सकते हैं कि पहला दरवाजा खुला है और आखिर में आखिरी दरवाजा भी खुलेगा। लेकिन इस तरह के आंदोलनों में दबाव डालना बहुत जरूरी होता है, और दबाव आपका जो दृढ़ विश्वास है, आपका संकल्प, आपका कमिटमेंट, आपकी जिद, वो बहुत जरूरी है। तो अभी हम लोग जाकर मिले, हमारे साथ पुलिस डिपार्टमेंट के भी लोग थे और एमडी मैडम भी मिली, और ये तय हुआ कि डेली शूटिंग के दरमियान जब ब्रेक होगा तो उस ब्रेक में अपने 4-5 लोग जाएंगे और मजदूरों से मिलेंगे और उनको परसुएट करेंगे, उनको समझाएंगे और पुलिस वाले आपको रोकेंगे नहीं, वो आपको परमिशन देंगे, आपके साथ जाएंगे। या एसीपी साहब होंगे तो हाथ उठा के मुझे मुझे कंफर्म कर दें। एसीपी साहब भी थे वहां पे, ये तय हुआ, ये सब कोर्ट का ऑर्डर से हो रहा, कोई गैर कानूनी काम नहीं हो रहा। दूसरा स्टेप ये है कि एमडी ने बताया कि कल परसों उन्होंने प्रोड्यूसर को बुलाया था, उन्होंने 2-3 दिन का टाइम मांगा है। उनका यह कहना है कि हम अपने एसोसिएशन में बैठ करके चर्चा करके इसके बाद बैठेंगे। तो एमडी मैडम का कहना है कि 1-2 दिन टाइम दीजिए, जो प्रोड्यूसर एसोसिएशन वाले लोग हैं वो आएंगे और आपके जो नेता हैं यूनियन के, इनमें से 4-5 लोग साथ को बैठेंगे, मैं भी आऊँगा, एमडी मैडम भी बैठेंगी, और वहाँ बैठ करके उस मीटिंग में जो आपकी मांग है उस मांग को पूरा करने की दिशा में एक फाइनल फैसला होगा। लेकिन तब तक के लिए ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हिम्मत मर्द मध्य खुदा, मजदूर एकता, मजदूर एकता, जिंदाबाद, मजदूर एकता, जिंदाबाद। तो वो जो हिम्मत है वो हिम्मत को टूटने मत देना, आपकी ही लाइन है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, झुक जाएंगे, इतना मेरा विश्वास है, मेरा अपना आत्मविश्वास है, मेरा कॉन्फिडेंस है कि बिल्कुल प्रोड्यूसर आपके साथ टेबल पे बैठ के आपकी बात को मानेंगे। ये मेरी तरफ से आप एक पूरा अपने दिल में उतार लो, ये होना है, ये होगा कैसे, ये मैंने इनको दिलीप भाई से रिक्वेस्ट किया, श्रीवास्तव जी से रिक्वेस्ट किया कि आप 4-4, 5-5 लोगों का ग्रुप बना के अलग अलग फिल्म स्टारों के दरवाजे पे जाइए, यहां तय करिए कि आज ये 5 फिल्म स्टारों के दरवाजे पे जाना है, और 5-5 लोगों का ग्रुप जाएगा, 10 भी हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, निवेदन देना है, उनके दरवाजे पे जाना है। हम लोग ये 22 यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव करके आए हैं, हम लोग स्ट्राइक पे हैं, और आप किसी भी प्रोड्यूसर की शूटिंग की डेट मत दीजिए, जो भी डेट है तो रद्द करिए। आप प्रोड्यूसर को बोलिए कि जब तक हमारे मजदूरों का हक नहीं मिलता तब तक शूटिंग नहीं होगी, और इस बात को आप पूरे एकदम ताकत के साथ अपनी बात रखिए, फिल्म स्टार सुनेंगे, फिल्म स्टार वैसे भी चाहता डेट कैंसिल हो जाए। तो ये एक स्ट्रेटजी के तहत ये 1-2 दिन चलेगा, इस बीच एक आध ग्रुप बना के आपको फिल्मिस्तान में भी जाना होगा, एक ग्रुप बना के फिल्मिस्तान में जाएगा, कहीं पवई में है, अदर लोकेशन जहां जाए तो फिल्मिस्तान है, पवई में कहीं शूटिंग चल रही है वहां भी जाना है, और ये मंड में जाना है, सब जगह आप जा सकते हैं, ऐसा कोर्ट का ऑर्डर है। और यहाँ अगर एसीपी साहब सुन रहे हैं तो जहाँ दूसरे लोकल्स पे जाएंगे वहां पर भी आप एसीपी और पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को कोर्ट का ये क्लॉज कोर्ट करते हुए बता दीजिएगा, गेट पे भी ताला मारा हुआ ना, अंदर घुसने नहीं देगा। हाँ तो ताला खुलवाया जाएगा राजा। अब मैं चला और मैं कल फिर आऊंगा। देखो रे भाई बारिश में भी।